देश में आज आंशिक सूर्य ग्रहण लगा है। ये सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। भारत में ग्रहण होने से इसका सूतक काल माना जा रहा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान कुछ राशियों पर शुभ और कुछ पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताए जाते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ग्रहण खत्म होने के बाद आखिर क्या करें, तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब बताते हैं। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पौधे पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। मकान, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान की साफ सफाई करनी चाहिए और हर जगह गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। घरों को नमक के पानी से धोना चाहिए। इसके बाद खुद स्नान करें और घर के देवी देवताओं को स्नान करवाएं। सूर्य ग्रहण के समापन के बाद घर में झाड़ू के साथ पोछा भी अवश्य लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। ग्रहण के दौरान निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव गर्भवती महिला के होने वाले बच्चे पर पड़ता है। ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाने से ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों का असर खत्म हो जाता है। सूर्य ग्रहण के बाद दान करना पुण्यदायी माना जाता है। गेहूं, चना, तांबे का पात्र, लाल कपड़ा, सोना, नमक, गुड़, सूत आदि का दान करना चाहिए। खाद्य पदार्थों पर भी गंगा जल से छिड़काव करें और उनको शुद्ध करें। उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। भगवान को तिल से बनी चीजें जैसे तिल लड्डू, तिल चक्की आदि का भोग लगाया जाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद तिल खाना सबसे उपयुक्त होता है। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऐसे में उसे समाप्त करने और उसके प्रभाव से बचने के लिए सूर्य ग्रहण के बाद कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए।